जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, सुबह उठकर आपको ये तीन काम नियमित रूप से करना चाहिए। इन तीन काम करने को क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न भी जान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं अपने घर में शांति, आप चाहते हैं अपने व्यापार में उन्नति और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियाँ वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो आपको अवश्य रूप से सुबह प्रातः से ही यह तीन कर्म अनिवार्य रूप से करना है। इन तीन कामों को करने से आप अपने नौ के नौ ग्रहों से संबंधित जितनी सारी परेशानियां हैं उनसे आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कुंडली में अधिकतम छः ग्रह खराब हो सकते हैं या छः ग्रह अच्छे हो सकते हैं। तो हर एक की जातक की कुंडली में ग्रह खराब जरूर होते हैं, तो इसलिए इन तीनों उपायों को करने से आप अपनी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से पता हो नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी इनके प्रयोग करने से आप अपनी लाइफ में वो बदलाव देख सकते हैं जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं उन तीनों उपाय पर आपको बताऊं, उससे पहले एक निवेदन है कि सबसे पहले इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में तुरंत लिखें अपने गुरु देव का नाम या अपने इष्ट देव का नाम। और अगर आप चाहते हैं हमसे ज्योतिष सलाह प्राप्त करना, जैसे जीवन में कोई तकलीफ परेशानी या कोई भी मदद हमसे चाहिए, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फ़ीस और शुल्क लागू है। सबसे पहला काम आपको सुबह उठकर भगवान कृष्ण के तस्वीर के दर्शन करना है। जैसे ही आप सुबह उठें, या तो मोबाइल में या आप अपने कमरे में लगाएं और उनके दर्शन करें। भगवान कृष्ण के और माँ राधा के दर्शन करने से पूरा दिन शुभकर होता है और नौ के नौ ग्रहों में आपको शुभता प्रदान करते हैं। दूसरा है, सुबह उठने के बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। तीसरा है, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना है या अपने बुजुर्गों को चरण स्पर्श करना है, ओम नमः शिवाय।